हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे मैं अपने सूखे हुए एक्रेलिक कलर्स को दोबारा से रीयूज़ करती हूँ। ये एक्रेलिक कलर्स मेरे पास 2 साल पहले से थे, तो रखे हुए थे। मैंने सोचा कि जब भी यूज़ करना होगा तो निकाल कर यूज़ कर लूँगी, लेकिन जब मैं देखने गई तो ये कलर्स सूखे हुए थे। फिर मैंने सोचा अब क्या करूँ, तो मैंने जो उपाय किया वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए, जैसे ये गोल्डन कलर का मेरा पर्ल मेटालिक एक्रेलिक कलर है, अभी सूखा हुआ है, यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं ये जो मीडियम है एटलस का, ये मैं लेकर आई मार्केट से। आप चाहेंगे तो दूसरी कंपनी का भी यूज़ कर सकते हैं, मगर ये जो है 20 रुपीज़ में ही काफ़ी बड़े साइज़ का मीडियम मिल जाता है। फैब्रिक्रिल का भी मीडियम आता है जो मैंने यूज़ किया है, मगर ये जितनी बड़ी कलर की बॉटल है उतना ही बड़ा ये मीडियम आता है, और वो 20 या 30 अराउंड आता है वो। लेकिन जब हमें 20 में इतना बड़ा मीडियम मिल जाए, इससे मैंने अपने सारे कलर्स को रीयूज़ किया है। बस इसमें 1 स्पून डालना है आपको मीडियम, और शेक करना है। बॉटल को हम थोड़ी देर के लिए शेक करेंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद इसे हम 5 मिनट के बाद दोबारा से शेक करेंगे। देखिए, अब ये रेडी हो गया है, और ये कलर जो है उसकी थिकनेस वैसी ही है जैसी ये पहले थी, और इसे अब हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस मीडियम की हेल्प से हम बहुत सारे कलर्स को अपने रीयूज़ करेंगे, इससे हमारे पैसे भी बच जाते हैं। तो एटलस का ये जो मीडियम है, इसे आप किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप से परचेस कर सकते हैं, मैंने वहीं से लिया है। और इसकी हेल्प से देखिए मेरा सेट बिल्कुल न्यू हो गया। आप भी अप्ने सूखे हुए कलर्स पे ये यूज़ करें, अप्लाई करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे